के भक्त तो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मैं तुझे ढोंगी दिखाई दे रहा हूं। बोले मैंने कब कहा बाबा तुम ढोंगी हो, लेकिन हाँ मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान बड़े दयालु हैं, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखती रहेंगे, बाबा हमें भाग के बचा लेंगे, भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने तो भाग करके ध्रुव को गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे, तो अब हमें यकीन है दर्शन अवश्य होंगे ध्रुव, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते हैं। एक बात बताओ ध्रुव, क्या तुमने अपने गुरु किए, तुम्हारा कोई गुरु है? ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है मैं तो जानता नहीं। बोले बिना गुरु के तुम्हें दर्शन नहीं होंगे ध्रुव, गुरु बहुत जरूरी। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम वन में गुरु के नहीं बनाए, किने ढूंढने जाए, आप मिली गए, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद ध्रुव के गुरु बने और एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बहुत मुसीबत आएगी जीवन में, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। एक बात और बताओ ध्रुव, क्या जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? जानते हो कैसे भगवान? ध्रुव बोले बाबा जी हमें क्या देखें भगवान, अब आप गुरु हो, आप बताओ कैसे भगवान। अब नारद जो है वो भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताने लगे, सुनो ध्रुव कैसे भगवान, चार भुजाएं होंगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही हो, और वो चेहरा एक सूर की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे हैं भगवान? तो नारद जी बोले ध्रुव सुनो कैसे भगवान, तो बोले कि उस मुख पर काली चमकीली और काकली मरोड़ी खाती कैसे हैं भगवान? तो नारद तस्वीर बता रहे हैं ध्रुव को, सुनो पर्वत पे नागिनियां टहलव
ऐसे हैं भगवान। और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए लाला,